हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अमित में। जी हम बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती, चाहे थर्ड लिस्ट का मामला हो, चाहे 22,000 सीट जोड़ने का मामला हो, या फिर शिक्षा जगत की अन्य खबरें हो जो कि आप लोगों के लिए दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं, फिर आप जिसके लिए फर्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तमाम जानकारियों के साथ। लेकिन जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सच यही कि विभाग पूरी तैयारी कर चुका है अपनी। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, किसी भी पल आपका शासन आदेश जारी हो जाएगा, इसलिए परेशान मत होइए। कोई तारीख नहीं, कोई शुभ मुहूर्त नहीं, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि। जी हाँ, प्रसिद्धि प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पा चुके 69 शिक्षक भर्ती में नियुक्त सभी शिक्षकों की नियुक्ति संकट अब हमेशा के लिए टल गए हैं, क्योंकि परीक्षा कराने वाले संस्थाओं कोर्ट से उत्तर कुंजी विवाद पर बड़ी जीत मिली है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने आंसर की पर दायर समस्त याचिकाओं को एक सिरे से खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, आजकल संस्थाओं द्वारा जारी आंसर की को देना एक चुनौती फैशन सा बन गया है। जैसी परीक्षा संस्था उत्तर कुंजी जारी करती है, उस पर बिना वजह याचिकाएं दायर कर दी जाती है। इसे 69 शिक्षक भर्ती मामले में हुआ है। साथ ही कोर्ट ने परीक्षा संस्थाओं को आगे की परीक्षाओं में प्रश्नोत्तरी तैयार करने में अधिक सतर्कता बरतने को कहा है। 69 शिक्षक भर्ती पर नहीं विवादों के चलते आज तक पूर्ण पदों पर भर्ती नहीं हो पाई। अब तक तकरीबन 64,000 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। सरकार को मिली इस जीत के बाद अब अगले चरण की तीसरी काउंसलिंग कराने का विचार है, जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई। जल्द ही तीसरी काउंसलिंग कराकर शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाएगी। जी हाँ, थर्ड लिस्ट का मामला है। अगली सूची निकालने में क्या दिक्कत रही है? विभाग क्यों नहीं निकाल रहेगा? निकालने हैं तो इतनी देर क्यों? जो सीटों का डाटा 6 महीने से विभाग को नहीं मिल पा रहा है, हम लोग कितना बनाते रहे, तारीख बताते हैं कि अब लिस्ट आ जाएगी। अगर उस समय पर सच्चाई बताई होती तो क्या लिस्ट के लिए प्रयास न किएगा? तो झूठ बोलते रहे, उसी के परिणाम हम लोग को लिस्ट नहीं आ पाई। भगवान जाने कब आएगी लिस्ट, आएगी भी नहीं। सब हवा में बातें करते हैं, कुछ नहीं मालूम विभाग क्या कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग बिल्कुल इससे फ्रस्ट्रेट और परेशान मत होइए। आपकी लिस्ट आने वाली है, परेशान मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि समय समय खराब चल रहा है वर्तमान में कोविड कारण, तो कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है, तो इतना धैर्य आप रख सकते हैं। जब आप 1.5-2 साल से लगातार धैर्य बना के रखें, तो अब 1 महीने 15 दिन धैर्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं। दिवंगत कर्मचारी शिक्षकों को दी जाए असाधारण पेंशन। जी हाँ, 22,000 सीटों को जोड़ के बात कर लेते हैं। मैंने कई बार ओबीसी के नेताओं को, आप लोग दो प्लान रखिए, प्लान एक एमआरसी वाले केस को कोर्ट से लड़िए, प्लान भी सभी लोग 22,000 सीट के लिए एकजुट रहे। याद रखना, सभी ओबीसी भाइयों के लोग वही हैं जो 2000 के चंदे खेल खेलते हैं। आप लोग इनकी बातों में आकर अपने समाज के गरीब कम गुणांग वाले 62-65 वाले अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने एमआरसी का धरना दिया था, पर सरकार नहीं मानी। इस बार हम लोग 22,000 के लिए लड़ेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग सरकार का खुला विरोध करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुँचानी होगी। ट्विटर से, फेसबुक से, मीडिया के माध्यम से यह बात सरकार को बतानी हो कि आप हमारा हक किसी को नहीं दे सकते। इस चुनावी साल में हम लोग सरकार की मनमानी नहीं करने देंगे। उठो ओबीसी, जागो ओबीसी। अगर आप गुणांक 62-65 तक है, तो आप 22,000 में सपोर्ट करें, रोजाना ट्वीट करें, भी बहुत कुछ होने वाला। हैशटैग याद रखना, @22,000 in 69,000 और बेचारे योग्य शिक्षक, दोनों हैशटैग आपको एक साथ लिखना है। अगर आप सच्चे मन से 22,000 के लिए लड़ेंगे, तो यकीन मानिए आपकी बेरोजगारी इस वक्त दूर होगी, बाकी आप खुद समझदार है। जी हाँ, हालांकि जाति पात वाला सपोर्ट मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा पोस्ट करिए, लेकिन हालांकि क्या है, 22,000 रोक लिए, आप लोग इफर्ट करिए तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत सफल होगी। 69 शिक्षक भर्ती के बाद शायद ही कभी यूपी में इतनी बड़ी भर्ती है, मैं भी कभी नहीं आएगी। दियाई भी तो 35 अकेडमी वाले आपके साथ होंगे, और अगली बार 130 नंबर लाने पर काम बन सकता है, अन्यथा कभी नहीं। इसलिए चुपचाप साम दाम दंड भेदभाव किसी सत्र की नीति अपनाते हुए 22,000 पदों को 69 में जुड़वाने के लिए सभी लोगों को हितकारी होगा। एक संवैधानिक नियम है, 22,000 पदों को 69,000 में जुड़ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। रोज रोज हैशटैग क्यों बदलते भाई, भर्ती परेशान। आज की ताज़ा ट्रेड 6100+1133 पर जारी होगी तिथि सूची 24 मई तक। जियो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही नई शिक्षक भर्ती। जी हाँ, सहायक अध्यापकों नई भर्ती शुरू करने के लिए बेरोजगार ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। हैशटैग योगी जी सुपर ट्रेड 2 मंगलवार ट्विटर पर 4थे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। डीलर CTT पास बेरोजगारों का बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद भर्ती नहीं हो रही। पिछले साल में सरकार ने 2 शिक्षक भर्ती 68,569 निकाली। ये पद थे जो शिक्षा मित्रों के समायोजन से रद्द हुए थे। जो भी मित्र चैनल पर हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।